होली का रंग गुलाल पिचकारी का व्यापार छोटे स्तर पर सिर्फ 5,000 से शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास अधिक पूंजी है तो आप और अधिक माल लगाकर इस बिजनेस को बड़े स्तर पर शुरू कर सकते हैं। दिल्ली के होलसेल व्यापारी के अनुसार इस बिजनेस में रिटेल व्यापारी को 30-100% तक का मुनाफा आसानी से हो जाता है। यदि आप इस होली कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या कोई ऐसा आइडिया ढूंढ रहे हैं जो साइड बिजनेस के रूप में शुरू किया जा सके, तो आप रंगों और होली खेलने वाली एसेसरीज बेचने का बिजनेस कर सकते हैं। रंगों का व्यापार और चयन। मार्केट में उत्तर प्रदेश के हाथरस, राजस्थान के जयपुर, अलवर तथा गुजरात के सूरत, राजकोट और इंदौर के रंग अधिक बिकते हैं। ध्यान दें, मार्केट में दो तरह के रंग बिकते हैं, केमिकल वाले, स्टार्च वाले। इसके अलावा डोलोमाइट यानी मार्बल के बुरादे से बने रंग भी बाजार में उपलब्ध हैं। इस तरह के रंग हमारे शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक होते हैं, इसलिए जब भी आप रंगों का बिजनेस करें तो इस बात का खास ख्याल रखें कि इस तरह के रंग आप बेचने के लिए ना लाएं। जब भी आप रंगों को बेचने का व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि आप अच्छी क्वालिटी का रंग लाएं। यदि आप स्किन को नुकसान पहुंचाने वाला रंग बेचते हैं तो ये आपके बिजनेस के लिए सही नहीं रहेगा। पिचकारी का व्यापार और चयन। पिचकारियों के लिए दिल्ली फेमस है। यहाँ प्लास्टिक और मेटल हर तरह की पिचकारियाँ सस्ते दामों में मिलती हैं। आपको अंदाजे के तौर पर बता दें कि पिचकारी की कीमत आपको 10 रुपए से 1,000 रुपए तक में मिल सकती है। इसके अलावा होली एसेसरीज भी काफी बिकती हैं, तो आप रंग, गुलाल और पिचकारी के साथ साथ होली एसेसरीज भी अपनी दुकान पर रख सकते हैं। होली एसेसरीज का माल उठाने से पहले डिजाइन और क्वालिटी पर भी ध्यान दें, क्योंकि इनकी आकर्षक डिजाइन लोगों को खूब आकर्षित करते हैं। होली में इस्तेमाल होने वाला स्प्रे, फॉग, पाउडर कलर, लिक्विड कलर लोगों को काफी अच्छा लगता है। टोपी, खिलौने, चश्मा, मुखौटा, बाजा आदि भी काफी मात्रा में होली के त्योहार में बिकते हैं। ध्यान दें, बाजार में ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड का भी बहुत अधिक चलन है। ऐसे में यदि आप अपनी शॉप पर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रखते हैं तो इन प्रोडक्ट्स के रेट में 50% तक का फर्क होता है। प्रॉफिट मार्जिन में भी काफी अंतर आता है। जितने प्राइस में ब्रांडेड कलर मिलेंगे उसके आधे दाम में नॉन ब्रांडेड कलर मिल जाएंगे। लाइसेंस और परमिट। ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे किसी भी तरह का लाइसेंस और परमिट की आवश्यकता नहीं होती। आप इसे किसी भी शहर में, गांव या कस्बे में आसानी से शुरू कर सकते हैं। माल कहां से उठाएं? थोक में माल आप दिल्ली के सदर बाजार में उठा सकते हैं। साथ ही आप अपने आसपास के छोटे व्यापारियों को थोक में माल प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने अनुभव के अनुसार कुछ सैंपल खरीद कर लाएं। उन सैंपल्स की क्वालिटी, प्राइस पर अधिक फोकस करें और अपने मित्र व्यापारियों को ये सैंपल दें। यदि उन्हें आपका माल पसंद आ गया तो वो आपसे माल ले लेंगे, तो इससे आप अपनी दुकान के अलावा थोक में माल बेचने वाले व्यापारी भी बन सकते हैं। दुकान कहाँ पर कैसी हो? कि दुकान ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ प्रॉपर बस्ती हो, भीड़ भाड़ वाला एरिया हो या फिर मुख्य मार्केट हो, जिससे लोगों की नजर आपकी दुकान पर पड़ती रहे और वक्त आने पर वो आपकी दुकान से आकर खरीदारी कर सकें। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।